तो भाई जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बहुत सारी कैटेगरी आती है और आप सोचते हैं कि यार मैं कैसा चैनल बनाऊं, भाई मेरा चैनल कैसा होगा, कैसा चैनल चलेगा, फिलहाल कैसे चैनल की डिमांड है, क्या चल रहा है मार्केट में। तो भाई आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बस ये वीडियो 4-5 मिनट देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, YouTube पर 4 तरह के ही कंटेंट चलते हैं, इन चारों में से आप कोई भी कंटेंट चुन सकते हैं। अगर ये चुन लिए तो समझ लीजिए भाई साहब आप काफी पैसा कमाएंगे YouTube से। ये कौन से हैं 4 कंटेंट, इसके बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए सबसे पहला जो कंटेंट है जो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर व्यूज लेकर आता है वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट चलता है भाई साहब यूट्यूब पर, बल्कि आपने एक फिल्म में डायलॉग भी देखा होगा, क्या चाहिए लोगों को, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में क्या क्या हो सकता है, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं एंटरटेनमेंट में आएगी, इसके अलावा अगर आप भाई साहब रोस्ट कर सकते हैं बढ़िया फनी वाला एंटरटेनमेंट में आएगा, अगर आप कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं एंटरटेनमेंट में आएगा, अगर आप एंटरटेनिंग ब्लॉग बनाते हैं एंटरटेन में आएगा, कविता सुनाते हैं सारी सुनाते हैं, यानी एंटरटेनमेंट पर ही सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं यूट्यूब पर, तो या तो चलेगा एंटरटेनमेंट। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि भाई आपको एंटरटेन करना पसंद है और काफी अच्छे से लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं, अब आप कहेंगे मैं कैसे पता लगाऊं, तो भाई आपके यार दोस्त होंगे, वहां पे आप अच्छे जोक क्रिएट करते हैं या वो लोगों से आप जब बातें करते हैं तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी बढ़िया होता है, लोग आपको उस चीज की वजह से काफी पसंद करते हैं, तो आप समझ जाइए भैया टैलेंट है आपके अंदर, आप एंटरटेन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आ जाइए, एंटरटेनमेंट चलता ही चलता है। बात करते हैं भैया दूसरी कैटेगरी की जो सबसे ज्यादा चलती है, और ये है भाई साहब मोटिवेशन। अगर आप लोगों को ज्ञान देना पसंद करते हैं, आप ज्ञान चंद है भाई साहब, आपको कुछ भी ज्ञान देना पसंद है लोगों को, चाहे भले ही खुद के कोई भी टेंशन हो लेकिन आप लोगों की टेंशन का सोल्यूशन देना पसंद करते हैं, तो समझ लीजिए भाई साहब आप चलोगे ही चलोगे। अगर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जिनसे लोगों को लगे कि वाह यार क्या बात बताई भाई साहब, ऊर्जा आ गई बॉडी में, तो भाई साहब चलोगे ही चलोगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के बाद ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो किया जाता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन भाई साहब बहुत सारे हैं। हालांकि मोटिवेशन देखने से होता ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन देखने में अच्छा लगता है, तो आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को और ये बहुत चलता है। अब बात करते हैं भाई साहब तीसरी कैटेगरी की जिसमें मैं भी आता हूँ, और वो है एजुकेशन। अगर आप लोगों को मतलब पढ़ा सकते हैं, लोगों को स्किल सिखा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं किसी भी बारे में, जैसे मैं आपको भाई यूट्यूब के बारे में एजुकेट करता हूँ, सोशल मीडिया के बारे में एजुकेट करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एजुकेट करता हूँ, ऐसे आप कुछ भी एजुकेट कर सकते हो जो आपका मन करे। अगर आपको फुटबॉल खेलना चाहता है लोगों को फुटबॉल खेलना सिखा दो, अगर आपको तैराकी अच्छी आती है लोगों को स्विमिंग सिखा दो, अगर आपको मैथ अच्छी आती है लोगों को मैथ सिखा दो, साइंस अच्छी आती है साइंस सिखा दो, इंग्लिश अच्छी आती है इंग्लिश सिखा दो, स्टॉक मार्केट में नॉलेज है वो सिखा दो, कुछ भी किसी भी तरह की एजुकेशन अगर आप लोगों को प्रोवाइड करोगे तो आप 100% चलोगे। एजुकेशन चलता है भाई साहब मार्केट में, भयंकर चलता है। और अब आते हैं भाई साहब चौथी बात। अब चौथी जो बात है ना वो बहुत जबरदस्त है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी टॉपिक पे बकैती करने की आदत है, कोई भी टॉपिक मिल जाए उस पर अपनी ओपिनियन देनी देनी है, अपनी नाक घुसानी है उसके अंदर, तो समझ लीजिए आप चलोगे ही चलोगे, क्योंकि चौथा जो कंटेंट यूट्यूब पर चलता है वो चलता है ओपिनियन। भाई देखिए डेली डेली कुछ ना कुछ मुद्दे तो मिलते ही रहते हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, नेशनल ना मिले तो आप पूरे वर्ल्ड को ही समझ लीजिए, भैया वसुधैव कुटुंबकम है पूरी धरती अपना परिवार है, तो आप अमेरिका का कोई मुद्दा ले लीजिए, पाकिस्तान का ले लीजिए, कहीं और का ले लीजिए, कोई भी मुद्दा जो चल रहा है बस उस पर अपनी ओपिनियन देनी है कि भाई मेरी ओपिनियन इस पर यह है, और आपकी जो ओपिनियन है वो आप कमेंट में लिख के दीजिए। अगर आप ओपिनियन वाली बात करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, कोई भी राय रखते हैं किसी भी मुद्दे पे, तो आप 100% यूट्यूब पे चलोगे ही चलोगे। ये वो 4 चीज़ें हैं जो सच में यूट्यूब पे जबरदस्त चलती है, और इनमें आप कितनी भी कैटेगरी अंदर घुसा सकते हैं, कितने भी टॉपिक ला सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये 4 चीज़ें चलेगी ही चलेगी। तो अब आप बताइए यार आपको क्या पसंद है, ओपिनियन देना, एजुकेट करना, मोटिवेशन देना, या फिर एंटरटेन करना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना, इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।